केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू पर एक सरकारी अधिकारी ने आरोप लगाया है कि समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने उस पर हमला कर दिया और इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। अधिकारी ने अपने हाथ पर बैंडेज कराया और इसके लिए वो अस्पताल में भर्ती हुआ। ये घटना है केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू के गृह नगर उड़ीसा के बारीपदा की। विश्वेश्वर टूडू केंद्र में आदिवासी मामलों के और जल शक्ति के राज्य मंत्री है। विश्वेश्वर टूडू मयूरभंज से बीजेपी के सांसद हैं और पिछले साल जुलाई में कैबिनेट के पुनर्गठन के दौरान उनको प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्री बनाया था। केंद्रीय मंत्री ने अपने ऑफिस में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटोरिंग यूनिट के उप निर्देशक अश्वनी कुमार मलिक और असिस्टेंट डायरेक्टर देवाशीष महापात्रा को बुलाया गया था और ये सब घटना शुक्रवार की है। पीड़ितों का कहना है कि रिव्यू मीटिंग के दौरान मंत्री किसी बात को लेकर उग्र हो गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दोनों अफसरों पर कुर्सियों से हमला कर दिया। इस हमले में देवाशीष महापात्रा का हाथ टूट गया जबकि अश्वनी कुमार मलिक को चोटें आई हैं। दोनों अधिकारियों को बारीपदा के पीआरएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दो सरकारी अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर बारीपदा टाउन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 325, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घायल अधिकारियों में से एक देवाशीष महापात्रा का कहना है कि मंत्री ने पहले हमें ये कहते हुए डांटा कि हमने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि अगर हम आदर्श आचार संहिता के समय फाइलों के साथ उनके कार्यालय में जाते तो यह अनुचित होता। आगामी पंचायत चुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लागू है, लेकिन वो उसके बाद नाराज हो गए और हम पर हमला कर दिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह पंचायत चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आरोप झूठे और निराधार है। केंद्रीय मंत्री का कहना है वे मेरे पास आए, हम लगभग आधा घंटा बैठे रहे, लंच का समय था, समीक्षा बैठक पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मैंने उनसे कल आने को कहा, वे कभी वापस नहीं लौटे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने उनसे फाइलों के साथ आने के लिए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 7 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए गए, अब ये सब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर मैंने उनको पीटा होता तो क्या वे मेरे कार्यालय में वापस लौट पाते। वहीं अश्वनी मलिक का कहना है कि हम दोनों मंत्री के पार्टी कार्यालय में मिले तो उन्होंने आपा खो दिया क्योंकि हम एमपी लैंड की फाइल लाना भूल गए थे। उन्होंने कहा मंत्री हम दोनों पर भड़कने लगे और गालियां देने लगे और फिर हमें प्लास्टिक की कुर्सी से पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह हम दोनों मौके से भागने में सफल रहे। आप पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।